नमस्कार, मैं हूं कविता राणा। 2019 चुनावों को लेकर राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है और एक बार फिर से राजनीति में राम मंदिर का मुद्दा उछाला जा रहा है। लेकिन इस बार MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद का राग अलापना शुरू कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये है AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, जो पेशे से वकील हैं और राजनीति में अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। चेन्नई में आयोजित इफ्तार पार्टी में ओवैसी ने ना सिर्फ बाबरी मस्जिद का राग अलापा बल्कि अपनी बातों से भी पलटते हुए दिखे। अब तक ओवैसी ये कहते आए हैं कि राम मंदिर मुद्दा का आस्था से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरा मामला जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। लेकिन इफ्तार पार्टी में ओवैसी ने ना सिर्फ बाबरी मस्जिद का राग अलापा बल्कि ये तक कह गए कि शरीयत की हिफाजत के लिए बाबरी मस्जिद को फिर से बनने के लिए दुआएं करते रहिए। इतना ही नहीं, ओवैसी का मानना है कि 2019 चुनाव से पहले बाबरी मुद्दे पर फैसला नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे भारी राजनीतिकरण हो सकता है। बाबरी मस्जिद के मामले को करीब 25 साल पूरे हो चुके हैं और अब तक बाबरी राम जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। तो देखा आपने, जो ऐसे पहले कहते थे कि राम मंदिर के मुद्दे को धर्म के तराजू में नहीं तोलना चाहिए, आज वहीं बाबरी मस्जिद को धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।